शिट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज माय सेकंड वीडियो व्हिच इज रिगार्डिंग माय अकोमोडेशन टूर। यहाँ पे आए हुए मुझे एक से डेढ़ महीना हो चुका है, तो यस अब लिटिल बिट आइडिया हो गया है मुझे यहाँ का, आसपास के प्लेसेस का। और आई होप आप लोगों को मेरा जो फर्स्ट वीडियो है ट्रैवल व्लॉग विच इज़ फ्रॉम इंडिया टू यूके स्टूडेंट ट्रैवल व्लॉग जो है, तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक सेंड कर दूँगी, सो प्लीज़ गो बैक एंड चेक माई वीडियो एंड प्लीज़ उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये मुझे हर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी लगी है। रीज़न इसके मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगी, सो लेट्स चेक दिस प्रॉपर्टी। यहाँ से एंट्री करते सबसे पहले हमारा शू एरिया आता है, जो भी हम बाहर से शूज़ डाल के आते हैं उसको यहाँ निकाल कर अपने होम स्लीपर्स हम वेयर करते हैं, क्योंकि इट्स लोकेटेड वेरी नियर टू द बीच, तो वो डस्ट वगैरह अंदर आने के चांसेस बहुत होते हैं। तो एंट्री करने के बाद सबसे पहला रूम है लिविंग रूम, आई शो यू। This is our living room. यहाँ हम सब लंच डिनर ब्रेकफास्ट एक साथ बैठकर करते हैं वेब सीरीज के साथ। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हम लोगों की क्लास नहीं होती है या फिर कुछ पर्सनल काम नहीं होते, तो हम तीनों बैठकर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, यहाँ पे कार्ड्स वगैरह प्ले करते हैं या फिर यू नो अ लिटिल बिट गॉसिपिंग। रूम के बाद दिस वन इज़ माई रूम, जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। एंड इसके बाद आता है हमारा किचन एरिया। ये वन ऑफ माई फेवरेट एरिया है बिकॉज आई लव टू कुक एंड मैं हमेशा बोलती भी हूँ दैट कुकिंग मुझे काइंड ऑफ रिलैक्सेशन देती है। दिस वन इज़ माई फेवरेट एरिया, सो दिस इज इट। किचन एरिया के साइड में ही एक गैलरी है जो बाहर के साइड ओपन होती है, सो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी बाइक्स खड़ी होती है, जो इस टाइम अभी पीछे की साइड है। एंड दीज आर ऑल द डस्टबिन्स अकॉर्डिंग टू देयर सेशंस, लाइक फॉर जनरल वेस्ट पेपर बैग्स, प्लास्टिक वंस, मेटल वंस। तो हर ट्यूसडे को वैन आती है और यहाँ पे वीक डिसाइड होते हैं दैट इस वीक मेटल वेस्ट और जनरल वेस्ट जाना है या इस वीक पेपर बैग्स वगैरह जाने हैं, तो उस अकॉर्डिंग हम अपना सारा गार्बेज बाहर रख देते हैं घर के बाहर एंड वैन अपने आप उठा के ले जाते हैं। उसके बाद अब हमारा वॉशरूम आता है विच इज़ मेनली वी यूज़ फॉर द बाथ। तो ये है हमारा वॉशरूम जिसे हम बेसिकली बाथ पर्पस से यूज़ करते हैं एंड दिस ऑल वॉशरूम्स आर द कॉमन, कोई हमारा सेपरेट या प्राइवेट वाला मैटर नहीं है यहाँ पे। तो यस दिस इज आवर बाथरूम।
अब इसके बाद हम चलते हैं लॉन्ड्री रूम एंड शावर रूम में, जो कि फर्स्ट फ्लोर पे है। लेट्स गो। मेरे रूम के साइड में एक स्टेयर्स जा रहा है जो कि सीधा लॉन्ड्री रूम है सामने, उसके बाद शावर वॉशरूम है एंड ऊपर दो और रूम्स हैं। लेट्स चेक इट ऑन। दिस इज आवर लॉन्ड्री रूम, वॉशिंग मशीन, ड्राई मशीन विद प्रेसिंग मशीन एंड प्रेसिंग टेबल, डेफिनेटली वैक्यूम फॉर द फर्स्ट फ्लोर। इसके बाद हमारा शावर वॉशरूम। अगर इफ यू वांट टू टेक शावर तो हमें इस वाले वॉशरूम में आना होता है, एंड इफ वी हैव टू टेक बाथ तो हमें नीचे वाले वॉशरूम में आना होता है। लॉन्ड्री रूम एंड वॉशरूम। इसके बाद ये ऊपर दो रूम्स हैं जिसमें जो लड़के रहते हैं ये लोग भी इंडिया से आए हैं फ्रॉम मुंबई साइड, तो लेट्स चेक आउट देयर रूम्स। जो दिस इज आवर फर्स्ट रूम, मुझे जो इसने स्टडी टेबल के लिए कर रखा है ऊपर पूरा फोटो वगैरह से मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड ये बहुत अच्छी वाइब्स देता है रूम के लिए। एंड शी गॉट अनदर टेबल, मेरे पास से फील की थी। एंड ये हमारा वो बैक साइड है जो मैंने आपको दिखाया था जहाँ हमारी बाइक्स पार्क हो रखी हैं। This room is a little big from mine, but this is it. This is our second room. And look, so amazing. Actually, में हमारे girls ने काफ़ी creativity की हुई है अपने rooms में, and this room is more spacious than mine and Harshita's. And this is her laptop table with this window. This is the main part जो मुझे इस रूम का सबसे अच्छा लगता है, that window. You can see the view from here. इसलिए मुझे ये पार्ट इस रूम का सबसे 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 अच्छा लगता है। अदर देन दैट ये रूम थोड़ा स्पेशियस है हमारे रूम से, बट नो वरीज। This is my room.
प्लेस जहाँ बैठ के मैं अपने असाइनमेंट्स वगैरह कंप्लीट करती हूँ या जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क चल रहा होता है मेरा, उसे यहाँ बैठकर कंप्लीट करती हूँ। और बाकी टाइम आई यूज़ माई लैपटॉप ओवर हेयर। दिस इज़ माई बेड साइड टेबल जहाँ मेरी मैट्स, थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक का सामान, वो सब यहाँ रखा हुआ है। एंड स्टडी टेबल में मेरे सारे नोटबुक्स या फिर यू कैन से थोड़ा बहुत खाने का सामान, क्योंकि असाइनमेंट्स वगैरह करते टाइम थोड़ा बहुत हल्का फुल्का भूख लगता है, तो स्नैक्स और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर स्टोर करके रखती हूँ। और ये जितना भी आप डेकोर रूम देख रहे हैं, लाइक होम डेकोर प्रोडक्ट्स, या इधर प्लांट्स एंड इधर बेड शीट्स, थ्रो कैंडल्स, ये सब मैंने यहाँ आके बोरो किया है फ्रॉम द विल्को। वहाँ के प्राइस मुझे लिटरली बहुत अच्छे लगे हैं, एंड आई होप आप लोगों को भी शायद ये अच्छा लगा होगा। सो या दैट्स इट। सो आई विश आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आई ट्राइड माई बेस्ट टू कवर ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस होम। एंड नाउ अब मैं आपको बताती हूँ दैट कैसे मुझे इस प्रॉपर्टी का पता चला, क्या इसके प्राइस एंड क्या इसका बेनिफिट है। तो हम लोगों के लाइक स्टूडेंट ग्रुप्स बने हुए हैं, इंडियन स्टूडेंट्स ग्रुप्स या फिर एशियन स्टूडेंट्स ग्रुप बने हुए हैं व्हाट्सएप पे। तो वहाँ पे मेरी रूममेट का मैसेज आया था रिगार्डिंग दिस प्रॉपर्टी, हम लोगों ने बात की एंड या वी रियलाइज दैट हम लोग अच्छे से कोऑपरेट कर पाएंगे एक दूसरे के साथ। और प्लस पॉइंट ये था दैट हमारे जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो भी इंडियंस थे, तो इस वजह से मुझे प्रॉपर्टी बहुत अच्छी लगी। उसके अलावा मुझे बेनिफिट क्या है कि ये प्रॉपर्टी सिटी सेंटर से 5 to 10 minutes वॉक डिस्टेंस पे है। अदर देन दैट जो टेस्को, विल्को या एल्डीज जैसे सुपर स्टोर हैं उसके लिए भी बस 5 से 10 minutes का ही टाइम लगता है, और जो मेरी यूनिट है उसके लिए मुझे 10 minutes बाइक राइड लगते हैं। तो नाउ अब मैं आपको इसका प्राइस बताती हूँ। इस प्रॉपर्टी का प्राइस है £400 पर पर्सन। ये शायद आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, बट अगर मैं इसके बेनिफिट देखती हूँ तो आई रियली थॉट कि ये प्रॉपर्टी डिज़र्व करती है दिस काइंड ऑफ प्राइस, क्योंकि जो हमें फैसिलिटीज़ मिली हैं इसके साथ एंड उसके अलावा जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है वो लग ही नहीं रहा है, क्योंकि 5-5, 10-10 minutes की वॉक पर हमारे लिए मार्केट्स अवेलेबल हैं, सुपर स्टोर्स अवेलेबल हैं या फिर इंडियन स्टोर्स अवेलेबल हैं, तो हमारा हर जगह से ट्रांसपोर्टेशन वैसे ही सेव हो रहा है। एंड इसके अलावा मुझे और क्या बेनिफिट लगा इस प्रॉपर्टी का, दैट ये बीच के बहुत क्लोज है, तो जब भी हम लोग टायर्ड हो जाते हैं लाइक रूम में बैठे बैठे या फिर अपना काम असाइनमेंट्स वगैरह करते करते थक जाते हैं, तो हम थोड़ी देर के लिए वॉक लेने चले जाते हैं, विच इज़ लाइक 1 minute के ही डिस्टेंस पर है यहाँ से। और जो बस स्टैंड है इट इज़ लाइक कुछ सेकंड्स के डिस्टेंस पर ही है। तो प्लस जो मेन बस स्टेशन है वो सिर्फ यहाँ से 5 minutes लगता है। तो आई थॉट जब इतने सारे बेनिफिट्स हैं तो आई थिंक मुझे, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि मुझे ये प्रॉपर्टी बहुत बेटर लगी है फ्रॉम द स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इतना ट्रांसपोर्टेशन हमारा नहीं हो रहा है, और उसके अलावा यूनि वगैरह मेरे लिए बहुत क्लोज पड़ जाता है यहाँ से। एंड आई होप आप लोगों को हेल्प मिली हो इस वीडियो से कुछ। एंड एट द एंड मैं यही बोलना चाहूँगी कि आगे भी मैं अपनी वीडियोज़ में अपना बेस्ट ट्राई करती रहूँगी। अगर आप लोगों के पास कोई सजेशन है या कोई पॉइंट ऑफ व्यूज़ है प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट मुझे मोटिवेशन मिले टू मेक मोर वीडियोज़ इन द फ्यूचर। सो यस, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।